हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज गुरुवार, आज एक्सपायरी का डे और थोड़ा बहुत काम था तो जल्दी मैंने ट्रेडिंग ख़त्म कर ली। देखते हैं, अभी जस्ट अभी मार्केट ओपन हो चुका है। पहली कैंडल बहुत ही लंबी ग्रीन बन चुकी है और दूसरी कैंडल छोटी बनने की तैयारी कर रही है। मैं एक यहाँ पर कॉल को बेचने जा रहा हूँ। पहले पता नहीं 11,350 का मैंने लगाया था, अभी 11,400 का एक कॉल 14.40 रुपये के करीब 1500 क्वान्टिटी मैंने फिलअप की है। 29 का स्टॉप लॉस, बाद में मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। दोस्तों, कल जन्माष्टमी थी, बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट की और जल्दी से कोरोना चला जाए ऐसी भगवान से प्रार्थना भी की हुई है। तो देख सकते हो, अभी 1500 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने सेल की है और यहाँ पे मैंने ये प्राइस लगाई है जीरोधा में देखने के लिए। 14 के आसपास चल रहा है, 14 ओके, प्रोसेस का बटन दबा दिया है मैंने। अभी जस्ट अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है ये ऑर्डर को। 14 रुपये 15 पैसे से 1500 क्वांटिटी सेल कर दिए मैंने। अभी चल रहा है दोस्तों 13 रुपये 85, देखते हैं कितना प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। तुरंत ही 75। तो आज बहुत काम है, ट्रेनिंग का भी काम है और दूसरे भी बहुत काम है, थोड़े बाहर भी जाना है, तो जल्दी से ट्रेडिंग जो ख़त्म कर रहा हूँ मैं। तीसरी कैंडल बन रही है लाल कलर की, 13 रुपये 60 पैसे के करीब प्राइस आ चुकी है। 13.35 13.40 ओके, लगता है 1000 रुपये मिल रहे हैं, 1050 रुपये। अभी और मैं वेट करूंगा, 13 रुपये 60 पैसे जैसे ही 13 ब्रेक करेगा मैं यहाँ से एग्जिट करने की सोच रहा हूँ। लगता है एक और ग्रीन कैंडल मारेगा ऊपर, ऐसा मुझे लग रहा है निफ्टी। देखते हैं कितना रिट्रेसमेंट, ऊपर का एक लेवल है 62 का, शायद वहाँ तक ना चला जाए ऐसा मुझे डर है अभी। तो देखते हैं, अभी कैंडल ग्रीन बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 14,000 का जो कॉल है उसका प्राइस जो है वो बढ़ नहीं रहा है, वो मार दी भाई साहब ऊपर की ओर मार दी इसने तो 52। थोड़ा डर तो लग रहा है, 60 तक आ गया। यस, जो मुझे डर था वही हुआ दोस्तों। पिछला जो रेजिस्टेंस था, पिछला जो लेवल था वहाँ पे टच किया 225 का, फिर भी चलो ये काम अच्छा हुआ कि वो कॉल का प्राइस नहीं बढ़ सका, इतनी ऊपर कैंडल मारी फिर भी 13 रुपये जो भाव है बस ब्रेक कर दिया है। 13 रुपीज़ इज ब्रेक, 13.40 बस ऐसे अभी 13 यहाँ पे ब्रेक करे मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा तुरंत ही। 13 रुपये 5 पैसे 13 रुपये 30 पैसे 1125 रुपये मिल रहे हैं मुझे। देख सकते हो यहाँ पे लाइव 13 रुपये 35 पैसे 13 रुपये 20 पैसे ₹13.15 13 ब्रेक करने की तैयार, बस लाल कैंडल बन रही है, 47 पे आ चुका है। बड़ी लंबी कैंडल मारी, 62 का लेवल टच एग्जिट किया, 62 तक तो नहीं गया है शायद, 62 नहीं लेकिन 58 तक तो गया होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी, देखने की बात ये थी कि वहाँ इसका भाव नहीं जो है ना, जो प्राइस है 11,400 का कॉल वो नहीं बढ़ सका, वरना यहाँ पे अभी तो 18 और 19 होता तो ठीक है। चलो 12 रुपये आ चुका है, 13 तोड़ चुका है, चलो एटलीस्ट मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया हूँ। देखेंगे कौन से प्राइस पे एग्जिट हुआ, 12 रुपये 65 पैसे में। चलो पहली बार ICICI डायरेक्ट ने बहुत ही सही प्राइस पे यहाँ पे एग्जिट कराया है, 12 रुपये 65 पैसे 14-15 से बेचा था 1500 क्वांटिटी। देखेंगे अभी प्रॉफिट कितना है, और मैं ट्रेड अभी नहीं करने वाला हूँ, मुझे बहुत काम है अभी। 12 रुपये 45 पैसे 40 पैसे आ चुके हैं, 12 रुपये भी, ये 0 रुपया भी हो जाएगा पूरे दिन में। 11,400 का कॉल तो उतना लंबा मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि ये पहले 50 भी हो सकता है। 2200 रुपये का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है, 2250 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया है। 14 अगस्त को ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ओके, देख सकते हो यहाँ पे 1500 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने सेल की हुई है। ठीक है, तो आपने मेरा ये ट्रेड देखा, बहुत ही जल्दी काम ख़त्म हो चुका है, बस 4-5 कैंडल में ही 12 रुपये 70 पैसे 12.80 के आसपास चल रहा है। तो बहुत ही मैसेज आते हैं कि मैं जीरोधा में क्यों नहीं करता। अरे भाई, वो एक लॉट को बेचने के लिए 40,000 मांगते हैं निफ्टी ऑप्शन के, और वही यहाँ 1500 में काम हो जाता है। तो ICICI डायरेक्ट में 1500 रुपये का मार्जिन लगता है, मैं बहुत सारी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ब्रोकरेज भी ज़्यादा नहीं लगती है, स्कीम में रिसर्च चालू है ऑप्शन 20 की, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, 5 रुपीज़ पर लॉट। तो जो इतने 1500 को
क्वांटिटी में जीरोधा में बेचने जाऊंगा ना, मेरा 15 लाख रुपये चाहिए, वही काम मेरा यहाँ पे 40,000 में हो गया है। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।